वेलकम सर, योर ऑर्डर। एक मंचूरियन और एक नूडल्स पैक करना। ओके सर, आप वेट कीजिए, मैं लेके आता हूँ। भैया। यस मैम। मैंने आपको कॉल पर एक ऑर्डर दिया था नूडल्स और मंचूरियन का, वो पैक हो गया? यस मैम, बस कोई आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ। ओके। सर, योर ऑर्डर। 500 है ना? यस सर। ये लीजिए। थैंक्स मैम, योर ऑर्डर। भैया पहले पैसे बता दीजिए कितने हो गए। मैम 200 रुपीज़ ओनली। भैया। यस सर। जो ऑर्डर मैंने किया वही उन मैम ने किया, और आपने मुझसे 500 रुपीज़ लिए और मैम से सिर्फ 200, ऐसा क्यों? आप लड़का और लड़की में फ़र्क करते हैं क्या? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? दरअसल सर, मैम के फादर काफ़ी टाइम से इस रेस्टोरेंट में राशन डोनेट करते थे, ताकि अगर कोई भी यहाँ इंसान भूखे पेट आए और उसके पास पैसे ना हो तो कभी भी भूखे पेट ना जा पाए। और मैं बहुत हेल्प की है लोगों की और इस रेस्टोरेंट की भी, ताकि यहाँ पर कोई कमी ना हो। अभी कुछ महीने पहले उनके फादर की डेथ हो गई थी, इसलिए अब हम उनसे कभी भी पूरे पैसे नहीं लेते। तो फिर आप उनसे पैसे लेते ही क्यों हैं? सर मैम बहुत ही खुददार है, वो फ्री में कुछ नहीं लेते। हमने पहले भी काफ़ी बार कोशिश की पर उन्होंने मना कर दिया। ये हमारा तरीका है उनके फादर को थैंक यू बोलने का, इसलिए हमारे कैफ़े के ओनर ने डिसाइड किया कि अब हम उनकी फैमिली की हेल्प करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया आप लोगों ने। सर अगर आप चाहें तो आप भी 200 रुपये दे सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, आप पूरे पैसे रखिए। आज मुझे बहुत बड़ा सबक मिला है कि बिना पूरा सच जाने किसी के बारे में हमें ओपिनियन नहीं बना लेना चाहिए। वंस अगेन आई एम सॉरी। इट्स ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।